अगर स्किल्स हो तो क्या प्राइवेट गवर्नमेंट भी आपको जॉब जरूर देगी। और इसी बात के साथ आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट से निकलती हुई जबरदस्त वैकेंसी, जो कि है स्टेनोग्राफर्स के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, पीए के लिए, जो कि लेवल 7 की पोस्ट है। आज इस वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इनका सिलेबस, इनका क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है, आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसे कैसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एग्जाम डेट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। So let us begin this video with this positive note. ठीक है, तो आज यहाँ पे वीडियो में मैं आपको अभी पीडीएफ शेयर कर देता हूं। ये है आपके स्क्रीन पर पीडीएफ, ठीक है। सो यहाँ पर जो वेकेंसी है वो है सबसे पहले तो नैनीताल में जो हाई कोर्ट है उसके बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। जैसे हो गया चाइल्ड कोर्ट हो गया या फिर फैमिली कोर्ट हो गया, तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कोर्ट्स में आपको वैकेंसीज देखने मिलेंगी। तो इन्हीं वैकेंसीज के आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है एग्जाम की विज्ञापन की तिथि। तो कल ये एग्जाम आ गई है आपके लिए, ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है कल से, और आवेदन करने का अंतिम डेट है 22 फरवरी तक, ठीक है। नेट बैंकिंग वगैरह कर ले चलेगा, और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का अनुमान तिथि 17 मार्च को इन्होंने डेट भी दे दिया है कि हो सकता है 17 मार्च को एग्जाम आपका हो जाए। एंड चांसेस हैं, कोर्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपका एग्जाम ले लेंगे। देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि टोटल 54 पोस्ट है किसके लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए और आशुलिपिक या वैयक्तिक मतलब पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका है टोटल 80 पोस्ट, और इसके अलावा और भी दो पोस्ट है, मतलब 82 पोस्ट आपके टोटल निकल कर आ रहे हैं लेवल 5 लेवल 7। अगर आप चाहते हो नॉर्थ में पोस्टिंग लेना, उत्तराखंड जैसे एक बढ़िया से स्टेट में पोस्टिंग चाहते हो, वहीं के हो, तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई करने का भी लिंक, और मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पर आपको कई बार वैकेंसीज के अपडेट्स हम देते रहते हैं। कुछ और मुझे बताना है तो वो मैं बताता हूँ। एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड लेट अस स्टार्ट आवर टूडेज वैकेंसी, ठीक है। देखिए ये अलग अलग वैकेंसीज का इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ पे है। जैसे कनिष्ठ सहायक का पद कोड देखिए इन्होंने बताया है कि 133 है, तो यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट ऑल्सो। तो आप इसको यहाँ से ध्यान से देख लीजिए कि कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका वहां पर रिक्वायरमेंट है या फिर कहाँ पर आप भर सकते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ से आ जाते हैं जूनियर असिस्टेंट के वेतन मान, जो की है 21,700 लेवल 3 का वेतन मान इन्हें मिलता है, और एज है 21 से लेकर 35 साल तक, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है, 25 शब्द प्रति मिनट आपकी क्या होनी चाहिए टाइपिंग की स्पीड, ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी की टाइपिंग स्पीड अनिवार्य है, होना ही चाहिए। लेकिन एक और लाइन देखिए क्या बताया है, प्राथमिकता दी जाएगी उन स्टेनोग्राफर, उन असिस्टेंट को जिनकी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब हम आ जाते हैं हमारी फेवरेट वैकेंसीज पे, जो की है स्टेनोग्राफर्स की, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम खुद एक स्टेनोग्राफर्स हैं, ये पूरा चैनल स्टेनोग्राफर्स के लिए डेडिकेटेड है। पद कोड है 134 और यहाँ पर इनका वेतन मान है लेवल 5 का वेतन मान मिलता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे जनरल की 1 वैकेंसी, और ये आप डिटेल्स देख लीजिए आराम से, पीडीएफ पॉज करके आप डाउनलोड कर लेना और वहां से आप इसको चेक कर लेना, स्टेनोग्राफर्स और पर्सनल असिस्टेंट दोनों की। देखिए यहाँ पे पीएस एंड पर्सनल असिस्टेंट का भी लेवल 5 है, 29,200 बेसिक सैलरी है, और ये है आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का ब्रेकडाउन। इसमें से सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकल के आई है देहरादून में, जो की है टोटल 28 वैकेंसी, जबरदस्त पोस्ट है यहाँ पर, आपका बढ़िया एग्जाम होने वाला है। मैं आपको आगे इसका एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा किस तरह से एग्जाम लेंगे एंड बाकी सभी चीजें, ठीक है। देन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आपको कट ऑफ दिया गया है कि कितने कितनी वैकेंसीज हैं, और उधम सिंह नगर में भी आपको 21 वैकेंसीज मिलती है, बढ़िया पोस्ट है। अब हम आ जाते हैं लेवल 7 की पोस्ट पर, जो की है पीए की पोस्ट। तो ये पीए की पोस्ट बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए आपको एक पोस्ट मिलेगी, कहाँ पर, यहाँ यहाँ हर जगह मिलेंगी आपको। देन यहाँ पर भी एक पोस्ट जनरल की आपको मिल जाएगी रुड़की हरिद्वार में, इस तरह से आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। देन हम बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी की, कितना एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो वही सेम, आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, आपका वेतन मान कितना है लेवल 5 एंड लेवल 7, एज लिमिट आपकी 21 से 35 ईयर्स तक चलेगी यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि कोर्ट में
और जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसमें स्टेनोग्राफर्स को बहुत ही जबरदस्त एज रिलैक्सेशन देखने मिलता है। तो आप लोग आराम से, अगर आपकी एज 27 प्लस या इवन 30 प्लस भी हो चुकी तब भी आप शॉर्ट हैंड जैसी कमाल की स्किल्स सीख कर एग्जाम को क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही सेम स्पीड चीजें हैं, 80 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी शॉर्ट हैंड का स्पीड चाहिए। ठीक है, हिंदी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, और अगर हिंदी शॉर्ट हैंड नहीं है तो ये लोग प्रायोरिटी देंगे कि इसको 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स को। तो अगर दोनों लोग अप्लाई कर रहे हो तो आप ध्यान दो, इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। कोर्ट में हमेशा स्टेनोग्राफर्स इंग्लिश वालों का ही बढ़िया काम होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी स्पीड कितनी होगी, इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स की 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड और हिंदी वालों की 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, कि एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। ये है आपका एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर होगा क्या, 140 मार्क्स का MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और 60 मार्क्स का आपका स्किल होगा। ठीक है, अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए जा रहे हो तो आपका टाइपिंग होगा, और अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए जा रहे हो तो आपका शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा। टोटल 200 नंबर का आपका निकलेगा कट ऑफ, और फिर आपको मिल जाएगी पोस्टिंग। ठीक है, ये है आपका पूरा एग्जाम पैटर्न। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और अगर गलत करोगे तो 0.4 मार्क्स, मतलब 0.25 मार्क्स का आपका यहाँ पर होने वाला है क्या, नेगेटिव मार्किंग होने वाला है 0.25 मार्क्स का। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों का ध्यान लेके आना चाहूंगा आप लोगों के लिए, जो हम लोग स्टेनो स्कूल जिस चीज के लिए जाना जाता है, जिस चीज के लिए अभी हमने पिछले बार सिलेक्शन दिलवाया था, बहुत सारे CRPF के स्टूडेंट्स हमारे साथ में सिलेक्ट हुए थे, इवन हाई कोर्ट में हम सिलेक्शन दिलवाते रहते हैं। तो ये चीज क्या है, ये चीज है आप लोगों के लिए स्पीड बैच। मैं आपको फटाफट से शेयर कर देता हूं कि हमारे स्पीड बैच में आपके लिए क्या क्या है। ध्यान देना, अगर आप चाहते हैं आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड कम से कम 60-70 वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले तो रियल एग्जाम सॉफ्टवेयर पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो कि एग्जाम में आपको सॉफ्टवेयर मिलता है सेम उसी तरह से। और होगा क्या, डेली आपको लाइव डिक्टेशन मिलती है, कितने स्पीड पे, 80, 100 और 120, ये तीनों ही स्पीड पर आपको क्या जनरल और लीगल डिक्टेशन मिलते हैं। 1-to-1 मेंटरिंग भी मिलती है आपको, जो भी डाउट्स आपके क्लियर किए जाते हैं। यू गेट द ग्रुप एक्सेस प्लस हार्ड चेकिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर, बहुत ही टफ चेकिंग होती है इस एग्जाम सॉफ्टवेयर पे। ट्रस्ट मी, अगर आपने 95% से ऊपर स्कोर कर लिया तो इंडिया का कोई भी एग्जाम आप फेल हो ही नहीं सकते, दैट इज माई गारंटी। अगर 95% से ऊपर लगातार आपका स्कोर आ रहा है, और अगर आप कोई भी एग्जाम में फेल हो गए तो मैं आपका पूरा फीस रिफंड कर दूंगा, जो बोलो वो रिफंड कर दूंगा आपको। ठीक है, दैट इज माई गारंटी, बिकॉज आई नो CRPF जैसे टफ एग्जाम में हमारे बच्चे जब सिलेक्ट हो गए हैं, हाईकोर्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आई नो कि भाई सॉफ्टवेयर बहुत जबरदस्त बनवाया है हमने। ठीक है, आपका रियल टाइम प्रोग्रेस होगा, ट्रैकिंग होगा, एंड दिस सॉफ्टवेयर इज बेस्ट अमंग द अदर्स बिकॉज ये SSC और बाकी एग्जाम्स के भी पैटर्न को फॉलो करता है। फीस क्या है इसकी, यू हैव टू पे 799 अप्रोक्सीमेटली 800 रुपए, एक दिन का 28 रुपए से भी कम आपका 26 रुपए हो जाता है एक दिन का, 26 रुपीज एक दिन का अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आई थिंक एग्जाम के लिए इतना तो करना ही चाहिए, तब आपको बढ़िया सिलेक्शन हमारे यहाँ से मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। करना क्या है, यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप SHD का मतलब होता है शॉर्ट हैंड डिक्टेशन, SHD आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, डो नॉट कॉल, आपका कॉल पिकअप नहीं किया जाएगा। एंड दिस इज मी ऋषि तिवारी, सेंट्रल रेलवे में स्टेनोग्राफर हूँ। ठीक है, आइए हम बची हुई चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको नेशनैलिटी बताई है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाएगा, एंड ये सभी चीजें जो नॉर्मल सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में होती है उनकी बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट रिजर्वेशन की बात आ जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप उत्तराखंड के नहीं हो राहिवासी तो आपको यहाँ पर UR कैटेगरी में ही सभी ट्रीट किया जाएगा, आपको कोई भी एज बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, रिजर्वेशन यहाँ पे वुमेन के लिए भी है। ठीक है, हैंडीकैप जो है उनके लिए भी रिजर्वेशन है, और जो वहाँ के ऑर्फन लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है। आप इस वाले PDF को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, और आपको इसका एग्जाम का अप्लाई करने का लिंक मिलेगा NTA इस वाली वेबसाइट पे, इसका भी लिंक मैं आपको कहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, फिर ये आपको डिटेल्स बताई गई है कब कब आपको कैसे कैसे चीजें यूज करके अप्लाई करना है। ठीक है, सो ये है, प्लस आपका एग्जाम की फीस यहाँ पे बताई दी गई है, 1000 रुपए UR कैटेगरी के लिए है, पिछड़े वर्ग के लिए 1000, देन आर्थिक रूप से ये आपका एग्जाम फीस है। इन फीस को आप अरेंज कर लो, जुगाड़ कर लो, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, अच्छे से आपको सिलेक्शन दिलवाने वाली वैकेंसीज हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सिर्फ ये लोग लेंगे, एंड ये थी इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, आई होप आपको काम का लगा होगा ये वीडियो, और आप जरूर हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, नहीं भी अगर आप चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जरूर सेव कीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग
फ्री क्लासेस कंडक्ट करते हैं, वहां से आपको बेनिफिट मिल जाएगा क्लास में लाइव जुड़ने का, ठीक है। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लेना, तो आप लोग को अभी से शुरुआत करनी है। और मैं इसी बात के साथ इसे एंड करना चाहूंगा कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। सो ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस बात है सही डायरेक्शन में जाने की, सही गाइडेंस प्राप्त करने की। आप बस यहां वहां भटकते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां जा रहे हो। सो मेक श्योर यू आर अंडर द राइट गाइडेंस और आप अपनी तैयारी करके एक गवर्नमेंट जॉब ले, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।